हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगेश राउत, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेफ एंटरटेनमेंट राउत में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम ऐसी जगहों पर जाकर फंस जाते हैं जहां पर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फायर के इस ट्रेनिंग में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जो हमारी टेक्निक थी उस टेक्निक में एक स्टेप और आगे चलते हैं। मान लीजिए हम कभी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर, चलो एक फर्ज करते हैं, हम लोग हैं हमारी रेसिडेंसी में और रेसिडेंसी में आग लग चुकी है। अब आग हमारे फ्लैट के नीचे लगी है और हम हैं ऊपर के फ्लैट में, तो यहाँ से निकलना कैसे, या फिर जब तक मदद ना आए तब तक हम लोग वहाँ पर करेंगे क्या, क्योंकि जान बचनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग वहाँ से निकल भी नहीं सकते क्योंकि कॉरिडोर में पूरी तरह से धुआं और ऐसी सारी चीज़ें हो रही है और नीचे हमारी फर्श भी गर्म है। तो ऐसी चीज़ों में हमें बचना और यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। हमें इस चैलेंज को बहुत ही सिंपल तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, पर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं और हमारे इस गलती का नतीजा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ से निकलना कैसे है या फिर इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक सिंपल चीज़, अगर हम लोग ऐसी किसी रेसिडेंसी में या ऐसी किसी जगह पर फंस गए हैं तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना सा करना है, हमारी घर की दीवारें या फ्लोर्स या गद्दे, जो भी हम जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें गीली करके रखनी है। और यकीन मानिए, अगर आपने दीवारें और ये आपका फ्लोर पूरी तरह से गीला करके रखा है तो आपकी तरफ आने वाली वो लपटें होंगी वो शांत रहेंगी, वो पानी आपको हेल्प करेगा, वो दीवारें ठंडी होने की वजह से, वो स्लैब ठंडा होने की वजह से आपके घर पे आग लगने के चांसेस पूरी तरह से कम हो जाएंगे। और एक चीज़, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होंगी वो ड्रिप कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल मीटर वो ड्रिप कर दीजिए, उससे भी हमारे यहाँ पर सेफ्टी के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। इस छोटे से टेक्निक से हम लोग अपने आप की और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। पर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जंप कर लेते हैं, जंप नहीं करना है। हम लोग मान लीजिए अगर आप फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पर हो तो जंप आप कर भी लोगे, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वहीं पर रहकर, अगर आप 8, 9, 10 फ्लोर या उससे ऊपर वाले बिल्डिंग में, तो हमें इस सिंपल सी टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। और एक चीज़ हो सकता है, मान लीजिए आजू बाजू या फिर ऐसे किसी होटल में आप फंस गए जहाँ पर बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है, होटल में आग लग रही है, तो आपको आपका कमरा ठंडा रखना चाहिए। या फिर सिंपल सी चीज़ है, कई बार होता है कि आप अपने कमरे में उस धूल को एंटर मत करने दीजिए, उस पॉइजनस गैसेस को एंटर मत करने दीजिए। तो क्या कर सकते हैं आप, एसी डक्स को कपड़े से पूरी तरह से ढक सकते हैं, मतलब आप उसे गीला कीजिए और एसी डक्स में डाल दीजिए। जो दरवाजे हैं उस दरवाजे का भी पूरी तरह से कॉर्नर्स उस चादर से गीला करके रख दीजिए। इन सिंपल टेक्निक से हम लोग वहाँ से ज़िंदा निकल सकते हैं। पर लोग अक्सर हमने देखा है कि लोग इस सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं और अपने आप को और साथ साथ अपने साथ वालों को भी इस सिचुएशन में, अपने आप से और अपने साथ वालों को भी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। पानी से हम लोग काफ़ी आराम से बच सकते हैं, जैसे पानी लीजिए, चादर लीजिए और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हम लोग फायर हमारा लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट मानते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जैसे ही मिलते हैं अगले एपिसोड में अपने नए एक टिप के साथ, तब तक ये सिंपल सा टिप अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने आसपास वालों से शेयर कीजिए। जय हिंद।